हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर्कस रसोई। जैसा मैं लास्ट एपिसोड में प्रॉमिस किया था, बर्थडे का स्पेशल केक आज शेयर करूँगी। और आज का एक केक का रेसिपी आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। केक बनाने के लिए पहले केक टिन रेडी कर लूँगी। मैं 6x6 इंच का एक केक टिन लेके इसमें एक बटर पेपर डाला और चारों तरफ बटर से ग्रीस कर लूँगी। आपके पास बटर पेपर नहीं रहेगा तो प्लेन पेपर के ऊपर बटर लगा के इसमें डाल दीजिए। केक टिन इज रेडी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। एक छन्नी में डाला 1.5 कप मैदा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और चुटकी भर नमक डाल के छान लूँगी। आज चॉकलेट केक बनाऊँगी, इसके लिए कोको पाउडर डाला। सारे चीज़ छानने के बाद एक बार मिला लूँगी अच्छे से। आज अंडा वाला केक बनाऊँगी, इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में 2 अंडा ले लिया। इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया और 1 कप पाउडर शुगर लेके मिक्स कर लूँगी हैंड व्हिस्कर से। हैंड व्हिस्कर से 5 मिनट तक इसे अच्छे से फेंट लूँगी। शक्कर का क्वांटिटी आप आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। देखिए, ये 5 मिनट से मैं फेंट रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए वैनिला एसेंस। मैं यहाँ पे 1.5 स्पून वैनिला एसेंस डाल दिया और एक बार मिक्स कर लूँगी। ये वाला मिक्सिंग बोल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है करके मैं बैटर को बड़ा वाला बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। वैनिला एसेंस डालने के बाद और 5 मिनट मैं अच्छे से बीट कर लिया। जितना अच्छा बीट करेंगे केक भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी होगा। अभी बैटर में ऐड करूंगी मैदा का मिक्सर। एक साथ में नहीं डालूंगी मैं, 2 या 3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आप भी ऐसा ही फॉलो करें। सारे मिक्सर डालने के बाद एक बार मिक्स कर लूंगी और अभी इसमें ज़रूरत के हिसाब से दूध डालूंगी। मैंने पहले 3 टीस्पून दूध डाला, एक बार मिक्स कर लूंगी, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डालूंगी। देखिए, बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो 2 स्पून और भी दूध डाला। आप भी एक साथ में दूध को ना डालें, धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से डालें, नहीं तो बैटर पतला हो सकता है। किनारों में जो लग गए वो एक बार मिडिल में ला के और एक बार मिक्स कर लूँगी, बट ये हल्का हाथ से करना। बैटर रेडी हो गया। इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। अभी बैटर को रेडी किया हुआ केक टिन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आज मैं पतीले में केक बनाऊंगी, तो बैटर रेडी करने से पहले मैं गैस को ऑन करके पतीले को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया। केक टिन को एक बार टैप कर लूंगी ताकि इसमें जो एयर बबल क्रिएट होते हैं वो ख़त्म हो जाए। अभी केक टिन को प्री हीट बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसमें मैं नमक डाल के एक स्टैंड रख दिया। ये नमक मैं कई बार बेकिंग टाइम यूज़ किया, इसके लिए कलर थोड़ा चेंज हो गया। अभी 40 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। 40 मिनट के बाद मैं केक को एक बार चेक किया था, तभी मिडिल में थोड़ा सा कच्चा था करके मैं 5 मिनट और बेक होने दिया। टोटल 45 मिनट के बाद अभी टूथपिक का हेल्प से इसको चेक कर लिया। देखिए, टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब केक रेडी हो गया। 15-20 मिनट केक को ठंडा करने के बाद इसको अभी डीमोल्ड करूँगी। नाइफ से इसको जो किनारा है उसको छुरा लेती हूँ। आप गरम केक को डिमोल्ड ना करें, नहीं तो नीचे से टूटने का चांस रहता है। ठंडा होने के बाद ही ये काम करें। एक प्लेट के ऊपर केक टिन को रख के इसको थोड़ा सा टैप करेंगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा। जो बटर पेपर लगा है तो उसको हटा देते। देखिए कितना अच्छा चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ, एकदम सॉफ्ट और जालीदार। मैं थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। अभी मैं इसको आइसिंग करके दिखाऊंगी। तो आइसिंग के पहले 4 से 5 घंटा मैं फ्रिज में रखा था। अभी इसको बीच में कट कर लूंगी, मतलब लेयर कर लूंगी। एक नाइफ से मैं चारों तरफ से मार्क कर लिया, फिर एक धागा का सहायता से इसको ऐसा देखिए कट कर लूंगी। मुझे यही आसान लगे, आप चाहे तो नाइफ से भी कर सकते हैं। देखिए मैं जैसा कर रही हूँ और केक एकदम स्मूथली कट के रेडी हुआ। एक बोल में 1/2 कप पानी लेके इसमें 3 स्पून पाउडर शुगर डाल के एक शुगर सिरप रेडी कर लिया। शुगर सिरप केक में मॉइस्चर का काम करेगा।
मैं केक टर्न टेबल के ऊपर केक बेस रख के इसमें थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा दिया ताकि ये एकदम फिक्स हो जाए। फिर रेडी किया हुआ शुगर सिरप इसमें इवेनली स्प्रेड करना है। केक को आइसिंग करने से पहले शुगर सिरप डालना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, इसे स्किप ना करें। अभी फर्स्ट लेयर केक के ऊपर व्हिप्ड क्रीम डाल के इसको अच्छे से लेबल कर लूंगी। क्रीम लगाने के लिए मैं आज पैलेट नाइफ यूज कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड लेयर इसके ऊपर रख दिया। केक को मैं दो लेयर में काटा, बट आप चाहे तो तीन या चार लेयर में भी काट कर सकते हैं। इस लेयर में भी सेम प्रोसेस में शुगर सिरप लगा लूंगी। फिर इसमें व्हिप्ड क्रीम लगा के वापस से लेबल कर लूंगी। आज मैं व्हिप्ड क्रीम यूज कर रही हूँ, और इसके पहले मैं एक्वाफाबा से वेगन क्रीम बनाने का रेसिपी दिखाया जो एक ग्लेस केक में यूज होता है। आज का केक मैं एग से बना के दिखाया, बट आप एगलेस चाहते हैं तो एग के जगह पे दही का यूज करें। केक का चारों तरफ क्रीम लगा लिया और ऊपर भी क्रीम देके इसको इवेनली स्प्रेड कर लिया। क्रीम स्प्रेड करने के बाद इसको चारों तरफ से प्लेन कर लूंगी। प्लेन करने के लिए मैं आज स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ। केक को आइसिंग करते करते अगर ज़्यादा टाइम लग जाए, इसको थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में रखिए, फिर दोबारा इसको निकाल के आइसिंग करें। देखिए, इसको मैं चारों तरफ से प्लेन कर लिया। अभी इसको मैं 15 या 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। इस केक के ऊपर अभी स्टेन्ड ग्लास जेल का डेकोरेशन करूंगी, सो इसलिए हमें चाहिए केक जेल और चॉकलेट गनाच। केक के ऊपर चॉकलेट गनाच से अभी मैं अपना पसंद का डिज़ाइन बना रही हूँ। मेरा ड्राइंग का हाथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप बनाएंगे तो आई एम श्योर मेरे से कहीं ज़्यादा बेटर बनाएंगे। कुछ फ्लावर का डिज़ाइन बना रही हूँ, एरा टेरा हो रहे, प्लीज़ इग्नोर। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है आप भी ऐसा ही बनाएं, आप आपका पसंद के हिसाब से अच्छा सा कोई डिज़ाइन बना ले। पूरा केक के ऊपर चॉकलेट गनाच से आउटलाइन बनाने के बाद इसके अंदर केक जेल से फिल कर रही हूँ। केक जेल और चॉकलेट गनाच घर पे ही कैसे आसानी से बना सकते हैं, इसका रेसिपी मैं नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगी, आप ज़रूर उसे देखिए। क्योंकि ये सब चीज़ बाहर लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगा गिरते हैं, तो इसके लिए घर पे आसानी से मैं बना के दिखाऊंगी। सारे फ्लावर्स में मेरा पसंद का कलर ऐड कर रही हूँ, और ग्रीन कलर से सारे लीव्स को कलर कर रही हूँ। जिन लोगों को व्हिप्ड क्रीम से केक डेकोरेशन करना डर लगता है या हार्ड लगता है, या जिनको केक नोजल यूज करना नहीं आते, उन लोगों के लिए ये डेकोरेशन आसान रहेगा। पूरा केक के ऊपर डेकोरेशन कर लिया, मैं चारों तरफ से एक बार दिखा देती हूँ। आप जरूर कमेंट में बताना ये रेसिपी आपको पसंद आया क्या नहीं, और डेकोरेशन भी कैसा हुआ ये भी बताना प्लीज। मेरा एक छोटा सा व्यूवर्स शुभदीप का रिक्वेस्ट पे आज चॉकलेट केक का रेसिपी शेयर किया। बर्थडे बॉय इज रेडी, आगे और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी आने वाले हैं, आप देखते रहना सर्कस रसोई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।